अभी तक कह रहे थे कि भाई हमें गायब कर दिया, गायब नहीं किया, केस लगा दिए, कोई केस भी नहीं लगे। वो तो एक अजीब बात कर रहे हैं, जो कि वो इतने भोले भाले मजदूरों के बीच में कर सकते हैं। वो ये है कि जियो लागू होने से पहले उन्हें हड़ताल लागू करवा दी। आप अपनी जानकारी कर लो, जियो तो मैं ही लेके आया हूँ, और जियो को लागू कराना प्रशासन का काम है। कारखानेदार लेने को देने को तैयार हैं, श्रमिक भी आगे बढ़कर आने को तैयार हैं, और ये जो जियो है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चूड़ी जुड़ाई में जो श्रेणी है, जैसे जुड़ाई का मजदूर है, जलाई का है, या छटाई का है, या चकलाई का है, या पल्लेदार है, कि उनकी दरें अलग हो। पहले क्या होता था कि ठेकेदारी सिस्टम में मैंने मुकम पैसा ले लिया, जिसको 1300 देना उसको 1100 दे दिया। तो ये जियो तो अब चूड़ी जुड़ाई मजदूर के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि अगर बड़े बोल नहीं बोले जाएं तो ये जुड़ाई के मजदूर भाइयों के लिए संविधान है। कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है तो चक्रवात आता है, बहुत अधिक उथल पुथल मचती है, और जो उस परिवर्तन को लाता है सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर निशाना साधा जाता है। मैं क्यों रोकूंगा भाई, चूड़ी जुड़ाई मजदूर भाइयों के लिए एक ही संदेश है कि अब चाहे तो मनीष सिसोदिया हो या कोई सरकार हो, अब किसी की दाल नहीं गलेगी। ये जियो है, इस जियो से कम कोई किसी को दे नहीं पाएगा। ये तो अब कानूनी बात देता हो गई। मानव दास एकदम गायब रहे और कब पिक्चर में सामने आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि धरना खत्म मत करो, तो ये लोगों को भड़काने वाली बात क्या है, क्या मानते हैं? वो अभी तक कह रहे थे कि भाई हमें गायब कर दिया, गायब नहीं किया, केस लगा दिए, कोई केस भी नहीं लगे। वो तो एक अजीब बात कर रहे हैं, जो कि वो इतने भोले भाले मजदूरों के बीच में कर सकते हैं। वो ये है कि जियो लागू होने से पहले उन्हें हड़ताल लागू करवा दी। भाई जियो लागू हो रहा है उससे पहले उन्हें हड़ताल करा दी। अब वो कहती है कि मेरे साथ लिखित समझौता कर लो। जो तुम्हारे साथ क्या लिखित समझौता कर जो, जब राज्यपाल के हस्ताक्षर से शासनादेश आ गया। वो क्या चाह रही है कि ये हड़ताल खुलवाने का सिरे खुद ले लें, और आगे पीछे इसके आधार पर वो इसमें अपनी, और हम अपने मुँह से क्या बोले।